भाई जी का जो दुकान है अवजीत कुमार पकौड़े वाले, और इनका मैं चटनी दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त। ये चटनी को हिला के दिखाना भाई। अभी सुबह सुबह इन्होंने दुकान लगाई है, तो ये चटनी बढ़िया से गुरु जी। हाँ, ये है चटनी, और ये मूली मूली पकौड़ी के साथ दोगे। ये है मूली क्रश किया हुआ, तो ये ज़बरदस्त। और ये इनका ये माल तैयार कर रहे हैं ओरिजिनल बेसन से, चक्की का बेसन यूज करते हैं भाई। ठीक है, ये मैं आ गया हूँ आपको सुपर टेक इको विलेज 2 के मार्केट में, और यहाँ पे आपको सुबह ही सुबह राम लड्डू और ये आलू के पकौड़े मिल जाते हैं। तो भाई से पूछते हैं कि ये कब से लगाते हैं और कब तक आप यहाँ पे इनके पकौड़े का मजा ले सकते हैं। भाई सुबह कितने बजे खोल देते हो? 11 बजे खोल देते हो। अच्छा जी, और शाम को कब तक रहेगा? 10:30। शाम को 10:30 बजे तक रहेगा। अच्छा, तो इसमें ये बेसन ओरिजिनल डालते हो या नकली वाला है? चक्की से लेते हैं। अच्छा, चक्की वाला बेसन। तो भाई इनका जो बेसन है वो भी चक्की वाला है, मतलब माल ओरिजिनल है ना। और कैसे रुपए प्लेट देते हो? 60 रुपए प्लेट में क्या क्या देते हो? 60 रुपए प्लेट में क्या क्या देते हो? 60 के 10। अच्छा, 60 में मिक्स हो जाएगा, मतलब ये आलू वाला भी दे दोगे और ये राम लड्डू भी दे दोगे। तो अपने पास दो पकौड़े हैं, एक आलू के और दूसरे हैं मूंग दाल के राम लड्डू। प्याज का है, धनिया पालक का है, अभी बने नहीं। अच्छा, आलू प्याज धनिया पालक ये सारी चीजें मिलेंगी। अब वो सारे प्लेट जो है 60 रुपए के, ये है ना, मिक्स करके दोगे तो मिक्स हो जाएगा। अच्छा, और राम लड्डू 60 के कितने दे दोगे? अच्छा, राम लड्डू 60 के 10 पीस, और मिक्स प्लेट भी आपको मिल जाएगा 60 के। तो जबरदस्त चटनी दिखाना एक बार अपनी।